नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच में एक दुखद संदेश ही है कि हमारे जो जिनके हम फैन हैं, हमारे जट प्रभजोत जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है किसी कारणवश। और उनकी बाइक निंजा H2 उससे जा रहे थे नेपाल और वहीं पे एक्सीडेंट हो गया है छोटा सा। कोई डरने की बात नहीं है, बस हल्का फुल्का चोट आया है, वो ठीक हो जाएंगे। बस आप लोग भगवान से दुआ करें कि जल्दी से जल्दी ठीक हों और अपने लाइफ में फिर से दोबारा एडवेंचर और राइड कर पाएँ, ताकि हम लोग उनको देख के जो सीखे हैं और सीखते रहें। कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे अफवाह फैला रहे हैं, हम हाथ जोड़ के कहना ये चाहेंगे कि ये सब अफवाहें ना फैलाएं। इससे क्या होता है कि जो सच्चे रियल फैन हैं उन लोग को बहुत दुख होता है। जैसे कि मुझे रात में, मैं देखा जब दूसरे अफवाह वाली वीडियो, तो मुझे एकदम अचानक से जैसे लगा क्या हो गया, बट फिर जब मैं सच्चाई जाना तब जाके थोड़ा अच्छा लगा, मतलब कि हाँ कि ठीक है, दवाई चल रही है, हॉस्पिटल में है नेपाल के। बस यही भगवान से दुआ है कि जल्दी से वो ठीक हुआ और अपने लाइफ में फिर दोबारा से राइड शुरू कर पाए। फिलहाल आए हैं गोरखपुर और यहाँ पे देखिए दवाइयों का बस दुकान और डॉक्टर जी लोगेंगे। राजदीप ENT हॉस्पिटल पे आए हैं, थोड़ा सा दिखाना था, तबीयत ख़राब था, तो अभी प्रिंस आ रहा है चूचा, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए कहाँ पे है, मिल नहीं रहा। हमारा प्रिंस चूचा आ गया है यार, बहुत दिन बाद आ गई। फिलहाल प्रिंस भाई आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाइक से देखिए उंगली दिखा रहा है 2 रुपया वाला और बाइक से हम लोग निकल दिए हैं, 4-व्हीलर अपनी खड़ी है। अभी हम लोग हैं DDU जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, यहाँ पे मेन गेट, और इसके आगे हम लोग आए हैं चाय पीने। वो भी महिला जी कोई हैं आदरणीय, उनके द्वारा चाय बनाया जाता है यहाँ। स्पेशलिस्ट है, कहाँ है जी दुकानिया, बंद है क्या? बंद बा दुकानिया। संत पार्क है और यहाँ पे हम बहुत घूमे टहले हैं बचपन में, 3-4 साल पहले आया करते थे, बट अभी फिलहाल अपने सहजनवा क्षेत्र में ही रह जाते हैं। प्रिंस भाई से देखिए चूचा जी अपने इनसे मुलाकात बहुत दिन बाद हो रही है। हमको ध्यान देने दीजिए, बस कर रहे हैं। फिलहाल गलियों से निकल दिए हैं गोरखपुर शहर में, एंट्री ले लिए हैं, चाय की तलाश, तलब लगी है प्रिंस भाई को। पूरा पैखाना छोटे बच्चे वो सेवा ले रहे हैं, आयकर विभाग है। और अभी फिलहाल हम लोग BBNDC कॉलेज जो है दिग्विजय नाथ उस वाले रोड पे आ गए हैं, और आगे इंदिरा बाल विहार है जहाँ पे चाय मोमो गली भी कहा जाता है उसको भाई। आगे सिटी मॉल, इधर चल जाएंगे सीधे, तो हम लोग जाएंगे इधर स्कूल एंड कॉलेज RPM एकेडमी, आइए और यहाँ दूत आवाज पे। ये दिग्विजय नाथ का कॉलेज प्रांगण और यहाँ पे देखिए क्या शानदार सीन है। ये मोमो गली है, मोमो दिखना शुरू हो गई, नारियल पानी आजकल ज़्यादा है। इसे कहते हैं नौका विहार, ये रूट आगे बस खाने पीने का नौका नहीं इंदिरा बाल विहार। देखिए खाने पीने की भरपूर दुकानें, हजारों हजार स्टॉल लगती हैं यहाँ पे। और इस साइड दिखाते हैं आपको बस खाने पीने का, ओह क्या आइटम है भाई, बर्गर है, चाउमीन है, चौमीन, छोले, चाय, कुलचे, एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएंगे। आज गुलशन जी का किस्मत बहुत ख़राब है, कहीं चावा नहीं मिलता, इसमें चाय मिला ना नहीं बा, मतलब मिल नहीं बा। आज प्रिंस भाई द्वारा चाय वितरण किया जा रहा है। गरीब लड़का है, रुक, गरीब लड़का, इसके पास पैसा नहीं है, जिसको चाय पीना था चाय पिलाने के लिए। हमको नहीं तलब लगी थी, आपको लगी थी भाई साहब तलब। फिलहाल चाय के प्याला हाथ में जल रहा है यार।
लक्ष्मी विसर्जन ये दीपावली के बाद होता है और यहाँ डीजे लगा है। साल की सबसे सुबह सूरज की लाली से दोस्तों अभी एक खतरनाक खेला हो गया। पहले देखिए क्या खेला हुआ है। वो जो शीशा है वो खुल नहीं रहा था, देखिए वो खुल नहीं रहा है। लॉक खोलिए जरा शीशा। अब वो क्यों नहीं खुल रहा है, हम लोग पूरा गोरखपुर से आ गए हैं उस शीशे के चक्कर में, अब वो खुला नहीं, मतलब पूरे दिन ट्रेवल करके शाम हो गई चलते चलते गाड़ी में नहीं खुला। हुआ यूँ था कि गाड़ी में यहाँ पे एक लॉक दिया रहता है, देखिए शीशे का, इसको दाबेंगे तो अब खुलेगा। अब खोलिए जरा, देखिए शीशा खुल रहा है। हम लोग क्या किए हैं, पूरा कब से ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से नहीं खुल रहा है, वहाँ से नहीं खुल रहा है, पूरा बटन ख़राब हो गया है, इसको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, मतलब कार के डॉक्टर को जो मिस्त्री जी हैं, लेकिन क्यों खुल नहीं रहा है। हाँ पता चला लॉक था, से यहाँ से शीशा लॉक कर दिए थे कोई, और हम लोग परेशान थे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, खुले ना तो ये मत सोचिए बटन ख़राब है, गाड़ी में शीशा लॉक करने के लिए दिया रहता है। लक्ष्मी पूजन और लक्ष्मी जी को विदा किया जा रहा है यहाँ पे, गजब का एकदम मज़ा आ गया देख के। ये मस्करा फील्ड है और यहाँ पे लोग रनिंग करते हैं, बहुत ही सुंदर फील्ड है। आर्मी की तैयारी होती है इस फील्ड में, लोग आर्मी और जो भी बॉर्डर लाइन पे जाते हैं लोग इसी रास्ते जाते हैं, यहीं से तैयारी करके निकलते हैं। हम लोग के लोकल में ये फील्ड है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे लोकल के गांव के लोग यहीं पे करते हैं। और लक्ष्मी पूजन जो होता है दिवाली के समय, लक्ष्मी जी का मूर्ति लगाया जाता है, उनका यात्रा निकलता है विदाई समारोह कुछ दिन बाद। फिलहाल हम लोग क्रॉसिंग पे आ गए हैं, ये आगे सहजनवा का उधर देखिए सनसेट भी हो रहा है, सहजनवा क्रॉसिंग इधर चल जाएगा गोरखपुर। फिलहाल क्रॉसिंग हम लोग पार कर रहे हैं। फिलहाल घर आ गए और यहाँ पे भी लक्ष्मी जी का विसर्जन होने के लिए जा रहा है हमारे गांव में, और आपको दिखाते हैं अभी। पहले देखिए क्या मौसम हुआ, एकदम प्यारा सीन, सामने देखिए विसर्जन की तैयारी। हमारे गांव के सज्जन लोग ना